हाय गाइस, मेरा नाम है दीप्तनु। आप सभी देख रहे हो मेरी चैनल दीप्तनुशील को। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो होने वाला है फेसबुक मोनेटाइजेशन 2020 को लेके। आप लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चन है फेसबुक मोनेटाइजेशन को लेके, और उन सारे क्वेश्चन का जवाब आज इस वीडियो पे आप लोगों को जानने के लिए मिलेगा। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को कहीं से स्किप मत करना, पूरा देखना तो ही पूरा नॉलेज मिलेगा। तो बिना कि आपको बोर, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन जो हर एक के मन में अभी आ रहा है वो है कि सर, क्या हम हमारे फेसबुक पेज को अभी मोनेटाइजेशन के लिए अपील लगाए? क्या इनस्ट्रीम ऐड के लिए हम मोनेटाइजेशन के लिए अपील करें? क्या ब्रांड कोलाब टूल से मोनेटाइज करने के लिए अपील लगाए? क्योंकि COVID-19 के वजह से फेसबुक का जो रिव्यू टीम है अभी काम बराबर से नहीं कर रहा है। तो इस सिचुएशन पे हमको क्या एज ए क्रिएटर हमारे पेज को मोनेटाइज करने के लिए अपील लगाना चाहिए? तो इसका जवाब है 100% अभी करेंटली आप मोनेटाइजेशन के लिए अपील लगा सकते हो। मैंने दो पेज का ऑलरेडी अप्रूव करवा दिया है मोनेटाइजेशन को, तो इससे पता चलता है कि मोनेटाइजेशन जो है वो हो रहा है और रिव्यूअर टीम जो है वो अप्रूव कर रहा है। तो आप में से भी जो लोग इलिजिबल क्राइटेरिया कंप्लीट कर चुके हो और आपका पेज इलिजिबल है मोनेटाइजेशन के लिए, तो आप लोग मोनेटाइजेशन के लिए अपील लगा सकते हो, आपका मोनेटाइजेशन हो जाएगा। अब बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन जो आप लोगों के मन में बहुत ज्यादा आ रहा है, वो है पाकिस्तान में मोनेटाइजेशन होता है क्या अभी? तो इस क्वेश्चन का जवाब यह है कि पाकिस्तान में ना तो पहले मोनेटाइजेशन ऑन होता था ना तो आज होता है, मगर इस यहां पे एक ट्रिक है जिसको यूज करके पाकिस्तान पे भी मोनेटाइजेशन को एनेबल किया जा सकता है फेसबुक पेज का। वो कैसे, उसके ऊपर डिटेलिंग में मेरे चैनल पे वीडियो है, तो वो वीडियो अगर आप देखोगे तो आपका ये जो क्वेश्चन है इसका डाउट क्लियर हो जाएगा। भले पाकिस्तान मोनेटाइजेशन इलिजिबल कंट्री पे ना आए, मगर फिर भी आप लोग पेज को मोनेटाइज कर सकते हो पाकिस्तान से बैठ के भी। अब बढ़ता हूं अगले जो आप लोगों के मन में बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन आ रहा है, वो है ब्रांड कोलाब से मोनेटाइज करूंगा तो इनस्ट्रीम ऐड से मोनेटाइज होगा आगे जाके पेज? या सर, मैं ब्रांड कोलाब से मोनेटाइज नहीं करता हूं, वेट करता हूं 10K फॉलोअर कंप्लीट हो जाए और उसके बाद इनस्ट्रीम ऐड से डायरेक्ट मोनेटाइज कर लूं, क्योंकि इनस्ट्रीम ऐड से मोनेटाइज करने पे ही हमारे वीडियोस पे ऐड लगता है। यहां पे इसका आंसर है कि ब्रांड कोलाब से अगर आप आपके पेज को मोनेटाइज करोगे तो ऐसा नहीं है कि आप उसी पेज को इनस्ट्रीम ऐड से मोनेटाइज नहीं कर सकते हो। आप दोनों टूल से ही मोनेटाइज कर सकते हो, ब्रांड कोलाब से भी मोनेटाइज कर सकते हो, वही पेज को आप इनस्ट्रीम ऐड से भी मोनेटाइज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ऑलरेडी करके प्रैक्टिकल वीडियो बना के चैनल पे डाल के रखा हूं। सेम पेज का मैंने पहले ब्रांड कोलाब से मोनेटाइज किया था, उसी पेज का मैंने फिर 10K कंप्लीट होने पे इनस्ट्रीम ऐड से भी मोनेटाइज किया है। तो आशा करता हूं ये जो क्वेश्चन है आज खत्म। अब जो नेक्स्ट मोस्ट मतलब आस्क्ड क्वेश्चन है मेरे चैनल पे वो है 1K फॉलोअर पे इनस्ट्रीम ऐड मोनेटाइज कर सकते हैं? सर, आपने तो कभी बताया था एक अपडेट पे कि 1K फॉलोअर होने पे भी इनस्ट्रीम ऐड मोनेटाइज हो जाएगा। तो दोस्त, वहाँ पे फेसबुक का वो बग था और मैंने उसके बाद अपडेट देके बोल भी दिया था कि अभी तक फेसबुक ने 1K पे मोनेटाइजेशन को इलिजिबल नहीं करवाया है इनस्ट्रीम ऐड के लिए। इनस्ट्रीम ऐड को मोनेटाइज करने के लिए अभी भी 10K फॉलोअर चाहिए और 1K फॉलोअर होने पे आप सिर्फ ब्रांड कोलाब टूल से ही मोनेटाइज कर सकता हो। तो आशा करता हूँ ये जो क्वेश्चन आप लोगों के मन में आता है इसका भी आज द एंड हो गया। अब बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्राइटेरिया क्या है मोनेटाइजेशन का? ये बहुत सारे नए क्रिएटर का क्वेश्चन है जिन लोगों को ये भी मालूम नहीं है कि ब्रांड कोलाब मोनेटाइजेशन टूल क्या है, इनस्ट्रीम ऐड मोनेटाइजेशन टूल क्या है, फ्रेंड सब्सक्रिप्शन मोनेटाइजेशन टूल क्या है। YouTube पे जब हम मोनेटाइज करते हैं तो वो मोनेटाइजेशन सिर्फ और सिर्फ एडसेंस से हम मोनेटाइज करते हैं, एडसेंस को इंक्लूड करते हैं और हमारे वीडियो पे जो भी एड रेवेन्यू जनरेट होता है हमको मिलता है। मगर फेसबुक पे हम डिफरेंट टूल से मोनेटाइज कर सकते हैं। सबसे पहला ब्रांड कोलाब मोनेटाइजेशन टूल, सेकंड इनस्ट्रीम टूल और थर्ड फ्रेंड सब्सक्रिप्शन टूल। तो सबसे पहला जो दो टूल होता है, ब्रांड कोलाब और इनस्ट्रीम ऐड, ये दोनों का जो क्राइटेरिया है वो डिफरेंट होता है। ब्रांड कोलाब टूल से मोनेटाइज करने के लिए आपके पेज पे 1000 फॉलोअर होना पड़ेगा। अगर आपके पेज पे 1K फॉलोअर होगा तो ही आपका ब्रांड कोलाब मोनेटाइजेशन टूल के लिए क्राइटेरिया फुलफिल होता है। उसी के साथ
एक पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी रहता है जो भी फुलफिल करना होता है, अगर ये भी नहीं करोगे तो भी ब्रांड कोलैप्स से मोनेटाइज नहीं होगा। और उसी के साथ एक एंगेजमेंट रहता है ऑप्शन, एंगेजमेंट भी कंप्लीट होना चाहिए, तो वो होगा तो ही आप आगे जाके ब्रांड कोलैप्स से मोनेटाइज कर सकते हो। और इन स्ट्रीम एड्स से मोनेटाइज करने के लिए आपके पेज पे 10,000 फॉलोअर होना चाहिए। ब्रांड कोलैप्स से मोनेटाइज करने पे आपके वीडियो पे ऐड नहीं आएगा, ब्रांड आपके साथ कॉन्टैक्ट करेगा स्पॉन्सरशिप देने के लिए। इन स्ट्रीम एड्स से मोनेटाइज करने पे आपका चैनल पे या आपके पेज पे जो भी वीडियो 3 मिनट नहीं तो 3 मिनट से ज़्यादा वाला होगा वो वीडियो पे एड लगेगा, और वो होगा जब आप इन स्ट्रीम एड से पेज को मोनेटाइज कर लोगे और उसका क्राइटेरिया अभी भी 10K फॉलोअर ही है। तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन का भी जवाब आप लोगों को मिल गया है। अब बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों के मन में मोनेटाइजेशन को लेके आता है, वो है मीम्स पेज मोनेटाइज होगा कि नहीं होगा, सर ये बता दीजिए। तो यहां पे हर एक कैटेगरी के जो पेजेस होता है वो सारे कैटेगरी के पेज के लिए एक ही चीज़ लागू होता है, वो है अगर आपका कंटेंट ओरिजिनल खुद का होगा, वो भले मीम्स आप बनाओ, वो भले आप गाना गाओ, वो भले आप आर्ट करो, वो भला आप टेक्नोलॉजी बनाओ, वो भला आप न्यूज़ चैनल बनाओ, वो भला आप क्राफ्ट बनाओ, मगर ओरिजिनल कंटेंट खुद के द्वारा क्रिएट किया गया कंटेंट होगा तो पेज 100% मोनेटाइज होगा, वो मीम्स पेज ही हो या बाकी कोई भी पेज हो। मगर यहाँ पे एक चीज जो डिफरेंस है वो है कि मीम्स पेज पे तो वीडियो नहीं डाला जाता, वहां पे सिर्फ इमेज डाला जाता है। तो इस केस पे आपका जो पेज है वो ब्रांड कोलैप मोनेटाइजेशन टूल से मोनेटाइज होगा, वीडियो नहीं डालोगे तो इन स्ट्रीम एड मोनेटाइजेशन जो है वो आगे जाके नहीं होगा। बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी एक ही कॉन्सेप्ट है, ओरिजिनल कंटेंट होना पड़ेगा अगर आप चाहते हो मीम्स पेज को मोनेटाइज करने के लिए। दूसरे का तीसरे का कंटेंट एडिट करके डाल के वो सब पेज जो है वो मोनेटाइज नहीं होगा। अब बढ़ता हूं अगले जो डाउट है फेसबुक मोनेटाइजेशन को लेके 2020 पे, वो है अदर गवर्नमेंट टैक्स आईडी का जो ऑप्शन आता है टैक्स आईडी पार्ट पे इनस्ट्रीम ऐड को मोनेटाइज करते समय वहां पे हम लोग कौन सा डिटेल डाले, कहां से डिटेल्स डाले। तो सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है वो है पैन कार्ड का। आपके पैन कार्ड पे जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर रहता है उसी नंबर को आप टैक्स आईडी के जगह पे जहाँ पे अदर गवर्नमेंट आईडी नंबर पूछा जाता है वहाँ पे आप ऐड कर दो तो वो फील जो है बेस्ट होता है। बाकी अगर आपके पास मान लो टैक्स पैन कार्ड नहीं है तो ऐसा नहीं कि आपका खुद का पैन कार्ड का ही डिटेल डालना है, जो भी आप बैंक डिटेल डालोगे अगर आपके पेरेंट्स का डाल रहे हो, मम्मी का डाल रहे हो, पापा का डाल रहे हो, तो उन लोगों का जो पैन कार्ड है उसका डिटेल भरना अदर गवर्नमेंट आईडी प्रूफ के जगह पे, मतलब जहाँ पे आपको आइडेंटिफिकेशन कोड डालना पड़ता है। तो ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, आपने पेज क्रिएट किया तो आपका डिटेल ही डालना है। और यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ही आईडी प्रूफ डालना जिसका उम्र 18 ईयर से ज़्यादा है, क्योंकि बैंक का डिटेल भी 18 ईयर ज़्यादा वाला ही आपको डालना है। तो आशा करता हूँ ये जो डाउट है ये भी क्लियर हो गया होगा, ये क्वेश्चन का भी जवाब मैंने दे दिया। अब मोनेटाइजेशन को लेके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मोनेटाइजेशन होने के लिए कितना टाइम लगता है, मतलब एज ए क्रिएटर जब हम ब्रांड कोलैप से मोनेटाइज करने के लिए अपील लगाते हैं या फिर इन स्ट्रीम एड से मोनेटाइज करने के लिए अपील लगाते हैं तो कितना टाइम लगता है सर मोनेटाइज होने में। यहाँ पे मैं आपको जो प्रैक्टिकल मेरा एक्सपीरियंस है ये शेयर कर देता हूँ। फेसबुक का जो कहना है वो तो 30 डेज तक का टाइम बोलता है, मगर जो प्रैक्टिकल इन रियलिटी मैंने फेस किया है या मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ब्रांड कोलैप से मोनेटाइज अपील करने पे 2 घंटे पे मोनेटाइज हो जाता है, सिर्फ 2 घंटे पे अगर सब कुछ ठीक रहा तो। अगर आपका कुछ ना कुछ इशू है पेज पे तो वो अंडर रिव्यू पे परा रहते हैं वो भी बहुत दिनों तक, और मैक्सिमम लेवल पे 2 से 3 दिन मैक्स लेता है ब्रांड कोलैप टूल से मोनेटाइज होने में। अगर आपका पेज पहले से ही ब्रांड कोलैप से मोनेटाइज है और उसके बाद अगर आप इनस्ट्रीम ऐड से पेज को मोनेटाइज करते हो और सारा क्राइटेरिया मीट है, सारा पॉलिसी मीट है, तो वो मोनेटाइजेशन होने पे भी इंस्टेंट हो जाता है। मैंने खुद किया है, इंस्टेंट हो जाता है मोनेटाइजेशन। और फिर
जो अंडर रिव्यू पे वीडियो जाता है वो प्रोसेस होने में थोड़ा टाइम लगता है, मगर इनस्ट्रीम एड का जो मोनेटाइजेशन है वो ऑन द स्पॉट हो जाता है अगर पहले से आपका पेज ब्रांड कोलाब टूल से मोनेटाइज है तो। अगर नहीं है तो फिर इनस्ट्रीम एड के लिए अगर आप डायरेक्ट कर रहे हो, मान लो आप ब्रांड कोलाब से मोनेटाइज ही नहीं किए हो आपके पेज को और इनस्ट्रीम के लिए आप डायरेक्ट मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो उस केस पे टाइम लग सकता है, 2 घंटा 2 दिन 3-4 दिन लग सकता है। मगर उससे ज्यादा अगर टाइम ले रहा है इसका मतलब हो सकता है आपके पेज अंडर रिव्यू पे पड़ा है या फिर फ्लैग कर दिया है जैसे ही मोनेटाइजेशन के लिए अपील किए हो, क्योंकि आपके पेज पे ऐसा कुछ पॉलिसी है जिसका मतलब उल्लंघन हुआ है, जिसको मान के जिसको मद्देनजर रखते हुए काम नहीं किया गया है पेज पे। तो उस केस पे आपको जाके पेज क्यों फ्लैग होता है, पेज क्यों अंडर रिव्यू पे पड़ा रहता है, उसके ऊपर वीडियो मेरे चैनल पे है, वो सारे वीडियो को देख के आपको नॉलेज लेके उस तरीके से आपको काम करना है ताकि आगे जाके पेज जो है अंडर रिव्यू से प्रोसेस होके मोनेटाइज हो जाए। अब बात कर लेता हूँ लास्ट क्वेश्चन ये आता है कि फैन सब्सक्रिप्शन पे कैसे मोनेटाइजेशन करूँ पेज को। ये बहुत सारे जनों का ये क्वेश्चन आता है, जबकि मैं फैन सब्सक्रिप्शन के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना के रखा था। तो दोस्तों, फैन सब्सक्रिप्शन पे जो मोनेटाइजेशन है उसका जो भी क्राइटेरिया है वो विजिबल क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि फेसबुक जो है वो देमसेल्फ उसको प्रोवाइड करते हैं। आप चाहो तो आप फैन सब्सक्रिप्शन टूल से मोनेटाइज नहीं कर सकते आपके पेज को, अगर फेसबुक आपको वो ऑप्शन प्रोवाइड करेगा, वो गिने चुनिंदा लोगों को ही फैन सब्सक्रिप्शन से मोनेटाइज करने के लिए ऑप्शन अवेलेबल कराता है। तो जैसे आपको वो फीचर अवेलेबल करवा दे फेसबुक, तभी आप आपके पेज को मोनेटाइज करवा सकते हो फैन सब्सक्रिप्शन टूल से। बाकी वो कहीं पे भी कुछ आप करके मोनेटाइजेशन के लिए अपील नहीं कर सकते हो फैन सब्सक्रिप्शन टूल के लिए। तो आशा करता हूं आज का इस वीडियो से फेसबुक मोनेटाइजेशंस को लेके 2020 में आप लोगों का जो भी डाउट था वो क्लियर हो गया है। अभी भी फेसबुक मोनेटाइजेशन को लेके आप लोगों के मन में कोई भी शंका है तो जरूर कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जाना, तो नेक्स्ट मैं चाहूंगा वो ही डाउट को आप लोगों को क्लियर कर दूं और एक नेक्स्ट वीडियो पे। आज के इस वीडियो पे इतना ही दोस्तों, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मम्मी पापा का नाम कर दोस्तों, बाय।